हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 के बेसिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो पहला एग्जांपल है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हमें 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन यहाँ पर एज इट इज लिख लिया है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम राइट से चेक करते हैं कि यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो अगर हम ये डेसिमल हटा देते हैं तो ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा, और अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप डेसिमल को हटाते हैं तो अपॉन में आता है 10। और ये वाला 0 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप 2 से पहले 0 लिख भी देते हैं तो आप चाहे 2 लिखें या 0.2 लिखें, बात एक ही होती है। तो यहां पर जब हमने ये डेसिमल हटाया तो हमें क्या मिला, 2/10। अब ये मल्टीप्लाई का साइन यहां एज इट इज आएगा। अब देखिए यहां पर भी राइट से चेक कीजिए, एक डिजिट के बाद ये डेसिमल है, तो ये डेसिमल हम हटा देंगे तो यहां से बचेगा 3 और अपॉन में आ जाएगा 10। ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल हो तो अपॉन में 10 आता है अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो। अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल हो और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 1000 आता है। तो अब हमें मिल गया है 2/10 मल्टीप्लाई बाय 3/10। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहां न्यूमरेटर में 2 है, यहां पर 3 है, 2 × 3 = 6 होता है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 6 आ गया। अब हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां डिनोमिनेटर में 10 है, यहां भी 10 है, 10 × 10 = 100 होता है, तो यहां डिनोमिनेटर में 100 आ गया। तो अब हमें मिल गया है 6/100। अब हमें 6 को 100 से डिवाइड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं, हम ये 2 जीरो डिनोमिनेटर से हटा देंगे और चेक करेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसमें डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 6, तो यहां कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा, तो जब कहीं डेसिमल नहीं होता तो यहां लास्ट में डेसिमल होता है। और अगर हम डिनोमिनेटर से 2 जीरो हटाते हैं तो यहां पर जो ये डेसिमल है ये 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब हमने ये 2 जीरो हटाई तो ये जो डेसिमल यहां पर था ये यहां से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो देखिए ये 6 तो यहां एज इट इज आ गया, डेसिमल यहां पर था तो यहां से पहले इसने 6 को क्रॉस किया, फिर एक डिजिट और क्रॉस करनी है तो यहां पर हमने 0 लगाया और डेसिमल को इसके लेफ्ट में यहां पर लिखा। और इस डेसिमल के लेफ्ट में आप ये 0 लिख सकते हैं, हालांकि डेसिमल के लेफ्ट के इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप नीचे से 2 जीरो हटाएंगे तो डेसिमल अगर यहां पर है तो वो 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 0.2 को मल्टीप्लाई किया 0.3 से तो हमें आंसर मिला है 0.06। अब हम अगला एग्जांपल देखेंगे, इसमें हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 एज इट इज आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ जाएगा, और ये जो यहाँ पर डेसिमल है हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे। तो जब ये डेसिमल हट जाएगा तो ये नंबर बन जाएगा 35, और देखिए अपॉन में यहां पर 10 आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर हम राइट से चेक करेंगे, राइट से देखिए कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद। तो जब हम डेसिमल हटाते हैं और एक डिजिट के बाद अगर डेसिमल हो तो अपॉन में 10 आता है, तो यहां पर आ गया 35/10। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ पर 35 है, 3 × 35 = 105 होता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 105 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, 1 × 10 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें मिल गया है 105/10। अब हमें इस 105 को डिवाइड करना है 10 से। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1 जीरो है, हम इस जीरो को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहां पर है। न्यूमरेटर में लिखा है 105, जब कहीं डेसिमल ना दिखे तो डेसिमल यहां लास्ट में होता है। और अगर हम डिनोमिनेटर से 1 जीरो हटा रहे हैं तो ये जो डेसिमल यहां पर है ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये यहां 0 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो देखिए ये जो डेसिमल यहां पर था लास्ट में ये यहां से एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हमें क्या मिल गया है 10.5। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 3.5 से तो
हमें आंसर मिल गया है 10.5। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000, यानी कि डेसिमल नंबर्स को 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। हम आपको ये एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10। हमें 1.76 को मल्टीप्लाई करके दिखाना है 10 से। हम आपको ये मल्टीप्लिकेशन दो मेथड से करके दिखाएंगे। आपको जो मेथड इजी लगे या जो मेथड आपके स्कूल में कराया गया हो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ सॉल्यूशन में हमने 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10 को एज इट इज लिख लिया है। अब हम इस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे, तो जब ये डेसिमल हट जाएगा तो ये बन जाएगा 176 और अपॉन में देखिए 100 आ गया। ये 100 कैसे आया, यहाँ पर हमें चेक करना है कि डेसिमल राइट से देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद है। देखिए राइट से अगर आप चेक करेंगे तो डेसिमल 1 और 2, ये दो डिजिट के बाद ये डेसिमल है। तो जब दो डिजिट के बाद डेसिमल होता है राइट से और आप डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। तो अब यहां पर आ गया है 176 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स ये 10 की जो ये जीरो है वो इस एक जीरो से कट जाएगी। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गई। अब क्या बचा, यहां पर 176 एज इट इज आ गया, अपॉन में यहां पर 10 बचा तो ये 10 एज इट इज आ गया। अब यहां पर तो मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 रह गया था, तो 176 इंटू 1 तो 176 ही होता है। तो फाइनली अब हमें मिल गया है 176 अपॉन 10। अब हम इस 176 को डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में एक जीरो है, हम इस जीरो को यहां से हटा देंगे और चेक करेंगे कि न्यूमरेटर में डेसिमल कहाँ पर है। न्यूमरेटर में है 176, तो जब डेसिमल कहीं ना दिखे तो डेसिमल यहाँ लास्ट में होता है और हमने डिनोमिनेटर से एक जीरो हटाई है तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 176 यहाँ पर हमने एज इट इज लिखा और ये जो डेसिमल यहाँ लास्ट में था ये एक डिजिट लेफ्ट की तरफ आ गया, यानी 7 और 6 के बीच में। तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमने 1.76 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमें आंसर मिल गया है 17.6। अब हम आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड बताते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमने सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब हम किसी डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो यहां पर एक जीरो है, तो जब हम इस 1.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये जो डेसिमल यहां पर है ये एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो डेसिमल यहां पर है 1 और 7 के बीच में, जब ये एक डिजिट राइट की तरफ आएगा तो ये 7 और 6 के बीच में आ जाएगा। तो देखिए हमें आंसर क्या मिल गया है 17.6। ये जो डेसिमल यहां पर था ये एक डिजिट राइट की तरफ यहां पर आ गया है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि दोनों ही मेथड से हमारे आंसर सेम आए हैं। यहां पर भी आंसर 17.6 आया है और यहां पर भी आंसर 17.6 आया है। तो इनमें से जो भी मेथड आप चाहे यूज कर सकते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें 1.76 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इस डेसिमल को यहां से हटा देंगे तो ये 1.76 में से जब डेसिमल हट जाएगा तो ये बन जाएगा 176 और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये 100 क्यों आया, अब यहां पर चेक कीजिए स्टूडेंट्स कि जो डेसिमल है राइट से चेक करना है कि वो कितने डिजिट्स के बाद है। देखिए एक दो दो डिजिट्स के बाद ये डेसिमल है, तो जब डेसिमल दो डिजिट्स के बाद हो और आप उस डेसिमल को हटाए तो अपॉन में 100 आ जाता है और मल्टीप्लाई बाय 100 ये एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दो जीरो और ये दो जीरो आपस में कट जाएंगी, तो हम इन दो जीरो को इन दो जीरो से काट देते हैं। अब यहां पर न्यूमरेटर में है 176, यहां न्यूमरेटर में बचा 1, 176 मल्टीप्लाई बाय 1 176 होता है, तो यहां पर आ गया 176, अपॉन में 1 बचा है तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने 1.76 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें आंसर मिल गया है 176। अब हम इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करके बताएंगे। तो क्वेश्चन है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 100। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि यहां पर दो जीरो होती है तो ये डेसिमल दो डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो
तो यहां पर हमने ये 176 एज इट इज रखा, और ये डेसिमल जो यहां पर है ये दो डिजिट राइट की तरफ जाएगा यानी 6 के बाद, तो ये डेसिमल कहाँ आ गया, यहाँ 6 के बाद। और लास्ट में आप ये डेसिमल लगाएं या ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, तो हमें आंसर मिल गया है 176। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आया है 176। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें हमें 1.76 को मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है, 1.76 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हम इस डेसिमल को हटा देंगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 176। तो यहाँ पर हमने 176 लिखा और अपॉन में आएगा 100, क्योंकि राइट से अगर आप चेक करें तो डेसिमल दो डिजिट के बाद है, तो जब दो डिजिट के बाद डेसिमल हो तो हम अपॉन में 100 लगाते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल हो, राइट से अगर आप चेक करें और एक डिजिट के बाद डेसिमल हो तो अपॉन में 10 आएगा, दो डिजिट के बाद डेसिमल हो तो अपॉन में 100 आएगा, और अगर तीन डिजिट के बाद डेसिमल हो तो अपॉन में 1000 आएगा। तो क्योंकि यहां पर दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपॉन में 100 आ गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 1000 यहां पर एज इट इज आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो जीरो और यहां पर दो जीरो आपस में कट जाएंगी, तो इन दो जीरो को हम इन दो जीरो से काट सकते हैं। अब देखिए यहां पर न्यूमरेटर में है 176 और यहां न्यूमरेटर में है 10, तो 176 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1760। अपॉन में सिर्फ 1 बचा, तो अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो जब हमने 1.76 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो हमें आंसर मिल गया है 1760। अब हम इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे मेथड से करके दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्यूशन में पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो क्योंकि यहाँ पर तीन जीरो होती हैं, तो ये डेसिमल यहाँ से तीन डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो 176 को तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा। अब देखिए डेसिमल 1 और 7 के बीच में था यानी कि यहाँ पर, तो ये तीन डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो पहले इसने एक डिजिट क्रॉस करी, फिर दूसरी डिजिट क्रॉस करी, इसके बाद तो कोई डिजिट थी नहीं, तो यहाँ पर हमने जीरो लगाया, और इसके बाद ये डेसिमल यहाँ पर आएगा, और लास्ट में डेसिमल आप लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें आंसर क्या मिल गया है, 1760। तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।